हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AVPS क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा रिजल्ट संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल को देख लिया होगा कि अभी अभी यूनिवर्सिटी ने इन विषयों का रिजल्ट किया घोषित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ने आपके कुछ विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया है और आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपना रिजल्ट आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो पूरी अपडेट पाने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा रिजल्ट संबंधित या फिर काउंसलिंग या कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपके चैनल से मिलती रहे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आपका समय नहीं वेस्ट करते, सीधे टॉपिक चलते हैं, पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। दोस्तों, मैंने आज की सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि PGAT सेकंड का परिणाम और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज यानी कि IPS की जो परिणाम है वो आज जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आप लोगों का PGAT सेकंड का परिणाम, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज यानी कि IPS का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि परिणाम आपका घोषित हो चुका है PGAT सेकंड का। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट जो जारी हो गया है, आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है तो आपको बता दें कि auprovesh.com, ठीक है, auprovesh.com ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि एक और वेबसाइट है लेकिन वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक और काफ़ी सोर्स है वहाँ पर, इसकी वजह से आप लोग का जो रिजल्ट है वो हो सकता है नहीं खुले, लेकिन इस पर आप auprovesh.com पर आप खोलेंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। auprovesh.com पर आप जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर रिजल्ट देखने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों, आपका कितना मार्क्स आया है ये जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जिन भी स्टूडेंट्स का भी जो रिजल्ट नहीं आया है, जिनका भी कोर्स का बचा हुआ पेंडिंग अभी रिजल्ट नहीं आया है, उनको बता दें कि आप पेशेंस बना के रखिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लगातार आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने में काम कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको फिर से वीडियो में बता रहा हूं कि जो आपके शिक्षा मंत्रालय है, सभी यूनिवर्सिटी को उन्होंने गाइडलाइंस जारी किया है कि 1 नवंबर से आप नया सेशन शुरू करें, तो इसके ध्यान रखते हुए काफी प्रेशर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर। फिलहाल आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, 1-2 दिन में सभी विषयों का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आप लोग पेशेंस बना के रखिए, वेट कीजिए। आप लोगों का जो गुस्सा है वो जायज है, ठीक है, आप लोग यूनिवर्सिटी डिक्लेयर नहीं कर रही है फिलहाल, लेकिन लगी हुई है। आप लोग 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, सभी विषयों के परिणाम 1-2 दिन के अंदर आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, जैसा भी कुछ होगा आपको इस चैनल से मिलती रहेगी अपडेट, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। और दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट आएगी रिजल्ट को लेकर या फिर काउंसलिंग या फिर कट ऑफ को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके अपने चैनल से मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये न्यूज़ कन्फर्म हो सके। और आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।